अंबेडकर सेना मूल निवासी पंजाब के प्रधान हरभजन सुमन और डॉक्टर अंबेडकर आटो यूनियन के प्रधान बंटी उपर विरोधी धिर वलों सोशल मीडिया से वीडियो वायरल कर 200 रुपए महीना और 3500 रुपए यूनियन आने के गंभीर दोष लगाए ने, जिस विच पिंड टड्डा के आटो चालकों वालों उक्त यूनियन के नेतावान से सीधे तौर पर लुट खसुट कर मारकुट कर भी गंभीर दोष लगे ने। आओ पहला तुहानू दिखाते हाँ वह वायरल हुई वह वीडियो जो कि इस समय काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। मेरा नाम रतन लाल है जी, पिंड मेरा डॉक्टर अंबेडकर नगर ढड्डे आ। एक आटो चालक है, मैं आटो चला, आटो चला के अपने न्याण का पेट भरदा हाँ। 3500 रुपया दे के जी असी एंट्री दिती आ डॉक्टर अंबेडकर यूनियन के, जिसका प्रधान हरभजन सुमन आते बंटी आ। 3500 रुपया देने के बावजूद भी 200 रुपया परची महीने का भी लेंदे आ, ता भी जे साडे नाल कुटमार हो रही है जी, बधीकी हो रही है, बहुत माड़ा चंगा सानूं बोलिया जा रहा है जी। साडी गुजारिश है जी भी साडे नाल इंसाफ किया जाए, तो साडियां जिहड़ियां आटो सीगियां उन्हें खोह के अपने कोलों साडियां आटो खोह के उन्हें उत्थे चौंकी दे विच स्टैंड ते जमा करातियां। असीं दसो की करांगे, असीं सवेर दे अज वेले बैठे हाँ, नहीं तो उही 200-200 घर लिजाईदा, न्याणियां नूं रोटी देईदी है जी। साडियां आटो भी बाहर दित्तियां जाण जी, तो सानू जगह भी दी जाए आटो खड़ी करने लिए, कितने अभी 3 आटो वाले हैं, सानू जगह दी जाए, जिसे अभी उसे उसे सानू जगह दी जाए। उधर सोशल मीडिया से वायरल हुई उक्त वीडियो तो बाद अंबेडकर सेना मूल निवासी के प्रधान हरभजन सुमन और डॉक्टर अंबेडकर आटो यूनियन के प्रधान बंटी ने अपना स्पष्टीकरण दिंदिया इस सारे घटनाक्रम पिछे बहुजन समाज पार्टी के एक नेता वालों साजिश करार दिता गया है। उन्होंने कहा कि यह जो इल्जाम उन्होंने उपर लगाए गए हैं वह सरासर झूठ से बेबुनियाद ने। उक्त नेतावान ने कहा कि बीते दिन सवारी को लेकर आटो चालकों विचकार तू तू मैं हुई सी, जिस तों बाद यह सारा विवाद उत्पन्न होया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यूनियन जो 200 रुपए प्रति महीना लेंदी है वह सिर्फ यूनियन के मैंबर की मदद वास्ते या फिर समाज सेवा के कामों वास्ते ही लेंदी है। एक सोशल मीडिया से एक साडे विरोधी वालों वीडियो वायरल की गई, उस एक आटो वाला इल्जाम ला रहा है कि हरभजन सुमन अते बंटी ये यूनियन के प्रधान हैं, उन्हों को हर महीने 200 रुपया लिया जाता है और 3500 रुपया लिया जाता है एडमिशन वेले। जिहड़ियां गल्लां वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जिहड़ा 200 रुपये की गल कर रहा है वो आटो वाले जिन्हें भी साथी हैं ये आप इकट्ठे करते हैं और गुरु रविदास महाराज शोभा यात्रा से आटो यूनियन वाले लंगर लगाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो शोभा यात्रा होंदी है उदों पानी की छबील लगाते हैं और होर भी ये धार्मिक स्थानों पर लंगर लगाते हैं। कितने आटो वाले का एक्सीडेंट हो जाए जां कितने लड़ाई झगड़ा आटो चलदे रोड ते किसी होर गड्डियां वाले ना हो जाए उन्होंने केसा या उन्होंने पैरवाई करते हैं। ये जिहड़ा 200 रुपये का मामला है ये हर यूनियन वाला अपने हिसाब नाल इकट्ठे करता, कोई यूनियन वाला 300 लेंदा, कोई यूनियन वाला 100 रुपये लेंदा, कोई यूनियन वाला 200 रुपया लेंदा। वो जिहड़ी गल करदा कि अगर नहीं दिते जाते कुटमार की जाती है, मैं तुहानू तुहाडे थ्रू ये पूछना चाहुंदा कि उहदी पहला किन्नी कुटमार की सी, जे पहला कुटमार की सी थाने क्यों नहीं गया, जे उस तो अलावा किन्नियां बंदियां दी कुटमार की है ये आटो यूनियन तो पता कर सकते हैं। कल जिहड़ा मसला सी वो ये सी कि उन्हां दी सवारी भरन तो लैके आटो वालियां दा आपसी झगड़ा होया और वो जो साडा मेरा खास करके विरोधी धिर है जिहनूं असी काफ़ी पछाड़िया होया, जिहड़ा ना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे मिशन नूं अगे फैलाउण विच कामयाब होया, ना बहुजन समाज पार्टी च वह कामयाब होया, वो सानू बदनाम करने लिए सस्ती शोहरत दे प्रोपोगंडे घटदा रहिंदा है। मगर मेरी उस भरा नूं यह बेनती है कि सस्ती शोहरत नालों अगर ईमानदारी नाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे मिशन का काम करे और जिम्मेदारी नाल समाज का काम करे तो उन्हूं अगे वधन तो कोई नहीं रोक सकता। उन्हूं मेरी यही बेनती है कि समझदारी तो काम लवो, समाज में एक करन दे विच आपां विश्वास करिए, ना कि दो करन दे विच विश्वास रखिए। जेड़े उसदे इल्जाम है वो झूठे हैं, आ बाकी आटो यूनियन वाले साथी सारे मेरे नाल खड़े हैं जेड़ी इस गल की गवाही भरते हैं कि वो साथी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं सिर्फ इन्ना ही अपनी सफाई दे विच कहना चाहवागा। ये पिछले 15-20 साल तो साड़ी यूनियन चलती आ रही, जिहड़े यूनियन इकट्ठा करके सारा नूं चलाउण वाले हरभजन सुमन जी आ जी, और कुछ विरोधी नहीं चाहते भी यूनियन चले। कल काफ़ी झगड़ा होया उन्हां नाल भी, तो उन्होंने मतलब साढ़े इल्जाम लाए भी 3500 या 200 रुपया महीना लेंदे हाँ असी, आ साडा शख्स जी सट चोट लगी सी पिछे, इहनूं असी पूरा खर्चा दिंदे रहे घर जी, इहनूं पुछ सकदे तुसीं भी खर्चा दिता या नहीं दिता जी, होर कोई झगड़ा नहीं, इत्थे बस सवारी नूं लैके झगड़ा होया जी। उन्होंने ये बेबुनियाद बस एवें मामला बधा लिया जी,
सवारी में लैके झगड़ा होया जी, जगह में लैके झगड़ा भी ऐसी गड्डिया इतने लाइनिया या उन्होंने ऐसी गड्डी इतने लाइनिया जी। तो साड़ी यूनियन चलाने सरपंच सुगन जी आ जो इतने बसा वाले सानू कोटकोटे तो आते भाजी उन्होंने गड्डिया ने सू छ के आना मैं नाल खड़ा यूनियन मैं खड़ा यूनियन मैं चलाऊंगा। उधर यूनियन के नेतावान ने भी विरोधी धिर उपर यूनियन बदनाम करने के गंभीर दोष लगाए ने। मामला इदा जी भी कल सवारी आई सी करतारपुर की, वो इन्होंने बंद ने अपने सैट की तो वह बेच आ गए अपना रौला पाउन लग पाया भी असी लैके जानी है। जब इन बहस बसाई लड़ाई तक पहुँच गई फिर असी भी बेच आए तो उन्हें कहा तुम जो करना कर लो, तुम अड्डा नहीं खरीदया हुआ, अड्डा तो किसी का भी नहीं है, ना साडा है ना तुहाडा है। सवारी जे साडे कोल आई है तो असी ले जावांगे, जे तुहाडे कोल आई है तो तुसीं ले जाओ। बस ये तो गलबात की होर असी जो साडे प्रधान साहब ने कहा वो एकदम सच कहा, ये कोई दो राय नहीं, कोई झूठ नहीं है। भी असी 200 रुपया असी सारे बंदे मिल के अपना हर महीने इकट्ठा करते हैं कि कलू जे कोई सानू प्रॉब्लम होवे असी उन्हूं सुलझा सकीए, किसी साडे बंदे दे सट चोट लग जाए, कोई गड्डी दा एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी एनी प्रॉब्लम हो जाए सानू असी उन्हूं सॉल्व कर सकी। असी सारे काम करते हैं पर लेकिन असी अपने खाने लिए जां किसी चीज़ लिए पैसे नहीं इकट्ठे करते। ये साडे दोनों प्रधानों के भाजी सुमन दे ते भाजी बांटी दे जिहड़े नाम लाए आ बेबुनियाद लाए आ, इन्हां नूं एक जलील करन लई परेशान करने लिए जिदा भी समझ लो झूठे बेबुनियाद नाम लाए गए हैं।